भैया एक बियर देना। अरे यार वॉलेट कहीं गिर गया। बिलिंग के वक्त ना स्कैन कोड बताना, ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। इट्स ओके ब्रो, आज की बियर ऑन द हाउस है। मेरे में डिलन, इस पब का ओनर। अरे वाह, हाय आई एम रौनक। तो अमृतसर में नए हो? यार मेरे माथे पे कोई टैटू है क्या जो सब लोग पहचान लेते हैं? अरे पंजाबियों की आंखों में ना एक्सरे फिट होता है। अरे मजाक कर रहा हूँ, मैं अपने कस्टमर्स को अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें यहाँ पहली बार देखा तो समझ गया। अरे क्या हो गया, कहाँ गिर गया वॉलेट? अरे वो शायद मेरा वॉलेट ना वहाँ दुकान में रह गया। कौन सी दुकान, केड़ा वॉलेट? मुझे बताओ, मैं अभी मंगवाता हूँ। नहीं नहीं कोई नहीं, मार्केट में है वो एक दुकान, वहाँ एक लड़की से बात कर रहा था, उसी के चक्कर में वॉलेट वहीं भूल गया। कोई नहीं, कल जाके ले लूंगा। वाह भाई, आते ही लड़की से बातें शर्त भी शुरू कर दी, सही है भाई। वैसे हमने सभी कुड़िया ना बहुत ही बड़ी टूटा है। टूटा क्या होता है ये तो मुझे पता नहीं, पर यहाँ की लड़कियों में ना डेयरिंग बहुत है। सो तो है। अच्छा वैसे अमृतसर घूमने आए हो या किसी काम से आए? काम के वास्ते आया हूँ। यहाँ मुझे ना कार्स का एक मॉडिफाइड और कस्टमाइज शोरूम खोलना है, इसलिए। मॉडिफाइड कार तो मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, काली जिप्सी, बड़े बड़े टायर। हाँ हाँ, ऐसी बात पे चीयर्स यार। चीयर्स भाई। यहाँ कहाँ ढूंढूं मैं उसे, पता नहीं वो यहाँ आया भी होगा कि नहीं। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? मैं भी ना इतनी बड़ी स्टूपिड हूँ जो यहाँ चली आई, मना कर देना चाहिए था ना मुझे। तो कैसे दूं उसे ये वॉलेट? एक काम करती, इस क्लब के ओनर को दे देती, वो जैसे ही आएगा ओनर उसको दे देगा। पुत्री, फोन करना तो भूल ही गया। भाई अब दो मिनट वेट करो। हाँ जोंडी, सर का ड्रिंक रिपीट कर यार। यार कितनी पिलाओगे? अरे पिलो भाई, इसके पैसे दे देना, ये ऑन द हाउस नहीं है। कहाँ हो गई वो? अरे देख के नहीं चल तू। ओ वेलकम जी, वेलकम। आप यहाँ क्या कर रहे हो? देखो मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं इस क्लब के ओनर को ढूंढ रही हूँ। आप ना बादाम खाया करो, आपकी बुद्धि बड़ी कमजोर है। आज सुबह तो बताया मेरा क्लब है, वीर द क्लब। कुछ भी ज्यादा अर्जेंसी है, वॉशरूम खाली करवा दूं? चीपर। बस बस यही, ये लो भैया। थैंक गॉड तो मुझे ये मिल गए, ये तुम्हारा वॉलेट, तुम भूल आए थे वहां। थैंक यू। अच्छा अच्छा सुनो, कहाँ गया ये लड़का, कॉल करती हूँ। ये तो मैं उस दुकान पे छोड़ के आया था ना। हाँ वो मैं इसी तरफ से आ रही थी ना, तो सोचा तुम्हें दे दूँ। Really? इतनी मेहरबानी। हम लड़कियाँ ना लोगों की जान बचाने के साथ साथ उनकी मदद भी करते हैं। हम तो लोगों को आग से बचा लेते हैं, तो ये छोटी मोटी ट्रेजेडीज क्या? पर मैम, 21st सेंचुरी है, ऑनलाइन का जमाना है, कैश कोई कैरी नहीं करता, तो ट्रेजेडी होने का मतलब ही नहीं बनता। एक मिनट, तुम यहाँ वॉलेट देने के लिए नहीं, मुझसे मिलने आई हो? ऑफ कोर्स मैं हूँ इतना चार्मिंग, इतना हैंडसम, कि एक बार मुझसे जो मिले वो बार बार मिलना ही चाहे। ओ हेलो, हवाई घोड़े से नीचे उतरो, कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो तुम। बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ वही बोल रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है। तुम्हें मुझसे मिलने का एक मौका चाहिए था, तो तुम वॉलेट लेकर यहाँ आ गए, वरना वॉलेट तो कल खुद जाके दुकान से ले लेता। फोन भी नहीं उठा रहे, कहाँ ढूंढूं मैं इसे? फाइन, कल खुद ही ले लेना। अरे एक्सक्यूज मी, हेलो, हाय
ओ हेलो मैडम, भैया जल्दी चलो। अरे मुझे मेरा वॉलेट दो। हेलो, अब तुम इजीली ना वहीं से ले लेना। देखो मैं शहर में नया हूँ और तुम्हारे यहाँ गेस्ट को ऐसे ट्रीट करते हैं क्या? जी हाँ। अच्छा, सॉरी, आई एम सॉरी। प्लीज वॉलेट। लेकिन अगली बार ना अपनी चीजों को संभाल के रखना, हर बार खोई हुई चीज वापस नहीं मिलती। चाहिए भी नहीं, खासकर अपना यह दिल। इंतजार कर रहा हूं कब खोऊंगा इसे। जब ये दिल खो जाए और तुम्हें मिल जाए तो उसे संभाल कर रखना। अपनी इन फालतू बातों से ना तुम मेरे सामने हीरो नहीं, बेशर अप्रूव हो रहे। लड़कियों से बात करने की तमीज सीख के आओ। गुड नाइट, आराम से जाना। इसमें कुछ तो बात है। ये लो, ये तो विषय मंद है। आ गई बेटा? हाँ दादी। बहुत देर कर दी। अब वो मैं उर्मी के यहाँ गई थी एक्स्ट्रा नोट्स लेने के लिए, इसलिए देर हो गई। नानी कहाँ है? वो अंदर पार्ट कर रही है। आपने दी का वीडियो देखा? हाँ देखा, सच्ची हीरो है हमारी वो। हाँ एकदम पापा के जैसे। नहीं, एकदम झांसी की रानी की तरह। दी, कंग्रेचुलेशंस दी, आपने तो आज कमाल ही कर दिया। आप ना बेस्ट, ऑसम, अमेजिंग, फैंटास्टिक। आपसे बड़ा हीरो तो कोई है ही नहीं पूरे अमृतसर में। वन वुमेन आर्मी हो आप, अकेले ही काफी हो। क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रही हो मुझे? क्या छुपा रही है मुझसे छोटे? ओह नो, कहीं दी ने मुझे पब में देख तो नहीं लिया था? कुछ पूछ रही हो तुझसे? कुछ भी तो नहीं दी। अच्छा, कहाँ थी सुबह से? अभी तक वही कपड़े, मतलब अभी आई है ना घर। वो मैं उर्मी के घर गई थी, वो एक्स्ट्रा नोट्स लेने के लिए, इसलिए लेट हो गया। सच बोल। दी, मैं सच ही बोल रही हूँ, झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? I'm sorry, मैंने तुझ पे शक किया, लेकिन छोटी तू तो जानती है ना, माँ पापा के जाने के बाद मैं थोड़ी सी इनसिक्योर हो गई हूँ, और माँ ने भी तो मुझे तेरी जिम्मेदारी दी है ना, इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी भी एक छोटे से झूठ या धोखे की वजह से हमारे रिश्ते में दरार आए। छोटा सा ही तो परिवार है मेरा, ये परिवार एक सच और भरोसे की नींव है, और मैं इसे खो नहीं सकती। आज हम सब एक दूसरे से एक प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी भी एक दूसरे से कोई झूठ नहीं बोलेंगे, कभी भी कोई बात नहीं छुपाएंगे। जब चांदनी और रोशन को पता चलेगा कि उसके पिता जिंदा है तो क्या होगा? प्रॉमिस? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।